संतुष्टि की बात होते हैं सर, क्योंकि हम सब आपको बड़ा सम्मान करते हैं सर। यू आर होल्डिंग द एग्जॉल्टेड चेयर सर, एंड ट्रस्ट दैट वी नेवर एंटरटेन इवन रिमोटली, इवन वाइल्ड इमेजिनेशन नेवर नर्चर्ड बाय अस टू डिसऑनर द चेयर एंड टू डिस्टर्ब द डेकोरम एंड एटिकेसी ऑफ दिस हाउस। लेकिन सर कभी कभी ये हो जाता है सर, सब समझते हैं सर, ये आज की बात नहीं है सर, पहले भी हुआ सर ये। आप हमारे इंग्लैंड की जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, उस हाउस ऑफ कॉमन्स की जो स्पीकर, उन्हीं की बराबर आपकी ये पदमर्यादा होते, आपका मर्यादा होते हैं सर। आपको स्वयं कास्टिंग वोट डालने का अधिकार होते हैं, आप सदन में जो करे किसी विचारालय में इसका कोई इसके 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 बारे में कोई कभी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आपके कहने पर मानी बिल सर्टिफाइड होते हैं, तो मान लीजिए कितने बार पद आप गरिमा से आप पालन करते हैं सर। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है सर, जो हम नहीं चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं, और सत्तारूढ़ पार्टी भी नहीं चाहते हैं, कभी कभी हो जाता है पीले। पहले सर 14 लोकसभा में सर देखा जाए तो 4 से 21 घंटा बर्बाद हुए थे सर। 15 लोकसभा में सर 800 घंटा बर्बाद हुए थे सर। सर 15 लोकसभा में सिर्फ 6 सेशन में 124 आवर सर बर्बाद हो चुके थे सर। ये बरकरार पहले से ये है, लेकिन सर आप तय करें किसी हालत में ये निपटना चाहिए, इसको समाप्त कीजिए। हम भी चाहते हैं कि सदन की मर्यादा को पूर्णता देकर हम सब सदन की गरिमा को बरकरार रखें, क्योंकि सर हम यहाँ आते हैं कोई मतलब चर्चा करने के लिए, सिर्फ हमारा मकसद होता है चर्चा करना। हम यहाँ कोई तकलीफ देने के लिए आपको या सदन की गतिरोध करने के लिए हम यहाँ कोई मकसद लेके नहीं आता। लेकिन हालात ऐसा हो जाते हैं जिसको काबू में हम भी नहीं रख पाते, आप सत्ता पक्ष भी नहीं रख पाते, तो किसी किसी समय ऐसा हो जाता है सर। इसके चलते हमारे 7 मेंबर को सर निलंबित किया गया। सर मेरी एक आपसे दरखास्त है सर कि हो सकता उसने कुछ गलती की होगी, मैं ये नहीं कह सकता किसी ने कोई गलती नहीं किया, लेकिन इसके पीछे तफ्तीश होना चाहिए। इसके पीछे तफ्तीश होने की बाद आप निर्णय लीजिए, क्योंकि सर अगर ऐसा लगता है कि एक घटना के लिए सर सारे 17 अगर निलंबित हो, ये सर ज्यादा हो जाते हैं सर। एक कबूतर मारने के लिए उम्र का साजा ना हो, ये भी मैं जरूर कहूंगा। तो सर ये मैं कहता हूँ सर, सारे जो हमारे 7 मेंबर निलंबित, सर हमारी जो 7 मेंबर निलंबित हो चुके हैं उसको सर वापस ही लाया जाए और सदन के सुचारू रूप से परिचालन किया जाए, ये सर आपसे मेरा दरखास्त है। टीआर बालू जी, सही डिसाइड, वी फील ग्लैड दैट यू आर अडोनिंग द चेयर ऑफ द स्पीकर टुडे। You were very upset, it seems, for the past 1 week. But today we are all happy, and it is better. You shouldn't have any concern over this. These are all very small issues when compared to the things which are all happening in the lower houses of various states. But at the same time, sir, the Honorable Speaker has taken a decision to name the members of Parliament. Members of Parliament who have gone wrong, who was committed misconduct. According to 373, the intention of the Speaker was for only one day. Whereas my friends in the opposition, the ruling party, has taken it as advantage. They have brought the resolution under 374. That is why it has extended to the one full session. So anyhow. Things are coming to an end. I think Honorable Speaker, with the great heart, kindly condone all this misconduct and see that all the 7 members of the Congress should be brought to house without any further delay, sir. Thank you very much, sir. Shaji. सबसे पहले सारे सदन की खुशी है कि आज आप वापस पीठासीन हुए, ये आपका स्थान है और आपने अपना स्थान ग्रहण किया है। आपके बिना इस सदन की मर्यादा कम हुई। हम सब के मन में बहुत पीड़ा थी कि आप के मन में इतनी पीड़ा हुई है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा तफ्तीश की जाए, अब तो तफ्तीश की कोई बात ही नहीं है। आपने जो बड़प्पन दिखाया आज ऑल पार्टी मीटिंग में, वो सबके सामने उसका इजहार हुआ है। आपने बड़प्पन दिखा के आपने खुद अपनी तरफ से कहा कि होली के सौहार्द के एक वातावरण में सब भूल चूक माफ़ करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मैं तो फिर भी सदन को यही गुजारिश करूँगा, बड़ी पार्टियों को, कि हम छोटी पार्टियों से कुछ सीख लें। बीजू जनता दल और भी कई पार्टियां हैं जो कभी कभी वेल में नहीं आती हैं, कभी डिसरप्ट नहीं करती है, आज तक नहीं किया है। तो इसलिए कुछ हम लोगों से बहुत छोटी सीख हम भी दे सकते हैं, तो हमसे लीजिए। और आदरणीय स्पीकर महोदय, आज वापस आप पीठासीन हुए इसलिए हम बहुत खुश हैं, और आशा करते हैं कि जिस तरह से पार्लियामेंट के पहले दो सत्र चले थे जिसमें कि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था और सारे देश ने इसकी चर्चा की, राष्ट्रपति जी ने इसकी चर्चा की एवं इसकी वाहवाही हुई है, तो ये वाहवाही आगे चलती रहे आपके लीडरशिप में, हम यही आशा कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।